पंचायतों में विकास के नाम पर सीमेंट की बर्बादी बदसूरत जारी है। ताजा मामला विकासखंड फतेहपुर के अधीन पड़ती पंचायत गुरियाल में सामने आया है। इस पंचायत के वार्ड नंबर 8 में और 9 में वाटर टैंक के निर्माण के लिए 40 बैग सीमेंट आया था, लेकिन वाटर टैंक का कामकाज आज अधूरा है, जिसके कारण बचे हुए सीमेंट के करीब 17 बैग खराब हो चुके हैं। पत्थर बने सीमेंट के बारे में जब संबंधित पंचायत प्रधान से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सीमेंट वार्ड पंच को निर्माण कार्य के लिए जारी हुआ था। भारी बरसात के चलते काम नहीं हो पाया, जिस कारण सीमेंट खराब हुआ है। सीमेंट को सेफ जगह पर क्यों नहीं रखा गया, इस बारे में वार्ड पंच से जवाब तलब किया जाएगा। वहीं विकासखंड अधिकारी देवेंद्र गुलेरिया ने बताया कि कुछ पंचायतों में सीमेंट खराब होने के मामले सामने आए हैं, जिस पर विभाग कार्रवाई अमल में ला रहा है। जिसकी भी गलती के कारण सीमेंट खराब हुआ है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पंचायतों में हो रहे सीमेंट की जितने भी बैग्स जो खराब हुए हैं, उनकी न्यूज़ मुझ तक पहुंची है। कंसर्न्ड ऑफिशियल को डायरेक्ट किया जाएगा कि वो इसकी इंक्वायरी करे और जितने भी जो इसमें जिम्मेवार होंगे सीमेंट खराब होने के लिए, उनके अगेंस्ट रिलेवेंट एक्शन लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट के अंतर्गत और मनरेगा एक्ट के अंतर्गत उनके अगेंस्ट जो है एप्रोप्रिएट एक्शन लिए जाएंगे। ठीक है। एम स्टार न्यूज़ के लिए फतेहपुर से रविंदर चौधरी की रिपोर्ट।